आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विदेशिया, नल दमयंती और राजभर्तरी, इन तीनों की दोस्तों स्टोरी क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे अगली वीडियो अगर दोस्तों मैं डालूंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि माछ की क्या विशेषता है, सांग की क्या विशेषता है, और ये विदेशिया और इसी प्रकार से ख्याल और पांडवानी जितने भी मतलब लोक नाट्य के जो रूप हैं उनके अंदर बेसिकली अंतर क्या है, उनका थोड़ा थोड़ा अगर जिक्र अगली वीडियो अगर मैं लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। और एक बात और दोस्तों, ये जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद यानी जून के आसपास से मैं हिंदी साहित्य की इतिहास के ऊपर वीडियोस डालना चालू करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपको कराऊंगा जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई किताब है। तो इस बुक को दोस्तों आपको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊं और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि 1 जून से मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर वीडियोस लाना चालू करूंगा जो कि आपके हिंदी के कोई भी एग्जाम में दोस्तों वो काम आएगा। चाहे दोस्तों आपको एमए में एडमिशन लेना हो जो कि अभी उसका इंटरेस्ट आएगा वो आपके उसमें भी काम आएगा, आपके नेट जेआरएफ में भी काम आएगा, और कहीं पर भी दोस्तों हिंदी के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो साहित्य से प्रश्न तो आते ही हैं। तो जो वीडियोस दोस्तों मैं बनाऊंगा उनसे आपका जो आधार है, जो बेसिक है, बिल्कुल एक तरीके से सुदृढ़ हो जाएगा, आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो ये जो नाटक है दोस्तों पूरी तरीके से राजा भर्तरी के आसपास ही घूमता है, जो मुख्य पात्र है राजा भर्तरी ही है। राजा भर्तरी के अंदर दोस्तों सभी प्रकार के जो अच्छे गुण एक राजा में होने चाहिए वो इसके अंदर है। इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि इसकी चारित्रिक विशेषता बताइए, तो इनके अंदर आप उनकी चारित्रिक विशेषता में ये सब डाल सकते हैं कि इनके पास सारे क्या थे, एक अच्छे राजा के गुण इसमें थे। ये अपनी प्रजा की बहुत ज्यादा चिंता करते थे, उनके दुख और कष्ट को मिटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इनके राज्य में जो जनता है काफी खुश थी। इसी प्रकार से इस नाटक की कुछ शुरुआत होती है। राजा भर्तरी का दोस्तों मन होता है शिकार पे जाने का, तो वो अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि मंत्री शिकार के लिए तैयारी शुरू करो, हम शिकार करने के लिए चलेंगे। तो मंत्री शिकार करने के लिए जाने के लिए क्या सारी व्यवस्था करने लगता है। तभी दोस्तों राजा की सबसे प्रिय पत्नी जिसका नाम है पिंगला, इनकी दो पत्नियां और हैं पर जो इनकी सबसे प्रिय थी वो पिंगला थी। तो पिंगला को जो पता लगता है कि राजा जा रहे हैं जंगल शिकार के लिए तो थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और उन्हें रोकती है कि महाराज जंगल में शिकार करने के लिए मत जाइए, वहां पर बहुत खतरा है। इसी प्रकार से वो खतरे गिनवाती है कि जंगल में बहुत ज्यादा धूप लगेगी, आपको लू लग सकती है, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं, जंगल में शिकार करना बहुत ज्यादा कष्टदायक है। तो तरह तरह की बातें दोस्तों उनको बोलती है ताकि वो जंगल ना जाए, पर राजा भर्तरी बिल्कुल अपने निर्णय पे अड़िग है, कहते हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा, और वो क्या करते हैं चले जाते हैं मंत्री के साथ। जैसे ही दोस्तों वो लोग जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, रास्ते में एक सूखी नदी के पास उन्हें एक गिद्ध दिखाई पड़ता है जो कि एक अधमरी हालत में होता है। राजा को लगता है कि इसे पानी की जरूरत है, तो राजा क्या करता है उसे पानी देता है अपने पास से, मंत्री को वो पानी पकड़ाता है और कहता है जाके इसे पिलाओ। जैसे ही मंत्री दोस्तों उस गिद्ध को पानी पिलाता है वो गिद्ध उसी समय मर जाता है। तो मंत्री राजा को आके बताता है कि सरकार बड़ा ही गलत काम हो गया ये, तो मैंने उसे जैसे ही पानी पिलाया वो मर गया। तो राजा कहता है अब ऐसी बात है, अब तो गिद्ध मर गया, क्या करें अब हम। तो कहते हैं चलो एक काम करो, आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, कम से कम हम इसको इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो अंतिम संस्कार करने की सोचते हैं, लकड़ियां लेकर आते हैं और उसको जला देते हैं। तो दोस्तों थोड़ी ही देर बाद बहुत सारी गिद्धनियां आती हैं और उसी अग्नि के अंदर अपने आप को सती कर लेती है उस गिद्ध के साथ। यह देख करके राजा बड़ा अचंभित होता है कि ये क्या हुआ, मंत्री से पूछता है ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, सारी गिद्धियों ने जो गिद्धनी थी उन्होंने जान क्यों दे दी अपनी। तो मंत्री समझाता है महाराज ये सब सती हो गई है। महाराज सोचता है कि सती जानवरों में भी सती प्रथा होती है। मंत्री कहते हैं ये सती प्रथा गिद्ध तक नहीं, जितने भी जानवर उन समय प्रचलित है, उसकी मतलब बखान कर देता है कि सती प्रथा चलती है इनमें भी। तो राजा को ये देख के बड़ा अचंभ होता है। इसके बाद राजा का मन थोड़ा सा उदास सा हो जाता है, मंत्री से कहता है देखो अब दिन का शुरुआत तो इतना अजीब सा बीता है, अब हम शिकार पे नहीं जाएंगे, चलते हैं वापसी अपने महल चलते हैं। तो वापसी महल चल जाते हैं कि ये बुरा शगुन है, अच्छा शगुन नहीं है, महल जाते हैं। महल पहुंचने के बाद दोस्तों पिंगला उनका इंतजार कर रही होती है, वो चिंता में रहती है कि महाराज का क्या हुआ होगा, जंगल से अभी तक आए नहीं। तो इसी प्रकार से उनकी एक महल में कोई साथी थी, उन्हीं से ये सब बातें डिस्कस कर रही होती कि महाराज अभी तक आए नहीं, चिंता चल रही होती है। जैसे ही महाराज आते हैं पिंगला खुश हो जाती है, फटाफट उनसे जाके मिलती है और उन्हें लेके अपने साथ जाती है कि सही है महाराज आप सही सलामत है। उन्हें खाने के लिए पूछती है, उनके लिए खाना बनाती है, और जब महाराज को खाना देती है तो महाराज ठीक से खाना पीना नहीं खा पाते अपने जंगल के उसी इंसिडेंट की वजह से। तो महारानी ये देख लेती है
और उनसे कहती है कि महाराज क्या बात है बताइए, आप उदास लग रहे हैं, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तो महाराज जंगल के उस स्थिति के बारे में बताता है कि किस प्रकार से एक गिद्ध को हमने उसका अंतिम संस्कार किया, बाकी गिद्धनिया भी आकर उसमें कूद पड़ी। तो इसमें पिंगला जी कहती है महाराज इसमें आप बड़ी बात क्या है, आप क्यों राय का पहाड़ बना रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, वो सब सती हो गई है। तो महाराज पिंगला से प्रश्न करते हैं क्या तुम भी सती इन समय मतलब क्या तुम भी सती प्रथा में बिलीव करती हो। तो पिंगला कहती है बिल्कुल मैं भी एक सती व्रता पत्नी हूँ आपकी, अगर आपको कल को कुछ होता है तो मैं भी अपने आप को क्या है सती कर लूंगी। तो महाराज ये सुनकर बड़ा खुश होता है कि चलो मेरी जो महारानी मुझसे कितना प्यार करती है। इसके बाद दोस्तों बाहर से एक भील आता है, भील उनका कोई होगा वहीं का, उनका कोई राज्य का कोई व्यक्ति होगा भील। वो महाराज के पास आता है और उनसे कहता है कि महाराज हमारे गांव में बड़ी ही दिक्कत हो गई है, एक शेर ने हमारे जो बकरियां हैं मुर्गियां हैं उन सबको मार के वहां पर आतंक मचा रखा है, कृपया हमें उस शेर से मुक्ति दिलाइए। तो महाराज बड़े ही दयावान शौर्य वीर थे और अपनी प्रजा का दुख वो दूर करना अपना पहला कर्तव्य समझते थे। तो उन्होंने फटाफट मंत्री को बोला कि तैयार करो रथ और हम चलेंगे और उसको मार गिराएंगे उस शेर को, और इस प्रजा को क्या है अपनी फिर से सुखी करते हैं, ये लोग बहुत दुखी हैं, चलो इनका दुख दूर किया जाए। फिर से रथ तैयार होता है और चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, जाते हैं और उस शेर को मार देते हैं, थोड़ी सी मुठभेड़ होती है और शेर हार जाता है। इसके बाद राजा मंत्री से कहता है चलो अब हमने शेर को तो मार दिया, जनता अब खुश है, अब क्या करें। तो राजा के मन में दोस्तों जो पिंगला ने उससे जो बातें कही थी बड़ी बड़ी कि मैं सती हो जाऊंगी तुम्हारे मन में, तो राजा को एक सूझी कि अब इसका टेस्ट लिया जाए, क्या महारानी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सिर्फ, या सच में मेरे मरने पे वो सती हो जाएगी। तो मंत्री को कहते हैं कि जाओ महल जाओ और जाके रानी से कह दो कि महाराज शेर से लड़ते वक्त प्राण त्याग चुके हैं अपने। तो मंत्री चौंकता है महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मत करिए ये सब गलत है। महाराज कहता है तुमसे मैंने जितना बोला उतना करो। तो महाराज उसे अपने कुछ अवशेष देते हैं और कहते हैं कि ये उसे दिखा देना और कहना कि मैं अब नहीं बचा। तो मंत्री दोस्तों चला जाता है महल, और महल जाने के बाद वो रानी को ये सारी खबर देता है। रानी को पहले विश्वास नहीं होता, उसके बाद उसे कंफर्म करती कि तुम सच में सच कह रहे हो। तो वो अपने साक्ष्य जो एविडेंस वहां से लेकर आया था कुछ उनके, उन्हें दिखा देता है कि देखिए महाराज की ये सब चीजें। तो रानी फिर ये देख करके बड़ी अचंभा में हो जाती है, उनकी याद में वो रोने लगती है, उन्हें ग्लानी होने लगती है, और अचानक से ये सब सोचते सोचते वो बेहोश होकर गिर जाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। तुरंत मंत्री उठते ही बोलता है महारानी मैं तो मजाक कर रहा था, उठिए, परंतु दोस्तों कोई फायदा नहीं, महारानी मर चुकी होती है। वहां पर दूसरी ओर जंगल में जो महाराज हैं वो इंतजार कर रहे मंत्री कब आएगा। तभी दोस्तों उनको एक मृगनियों का झुंड दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी मृगनियां हैं और उनके बीच में केवल एक मृग है। वो मृग राजा को बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है। राजा सोचता है इस मृग को मैं मारूंगा, इतना आकर्षक इतना सुंदर है ये, शिकार करने के लिए बिल्कुल एक अच्छा जानवर है। तो राजा अपना मन बना लेता है कि इस मृग को तो मैं मार के रहूंगा, आज इसी का शिकार होगा जंगल में। तो वो जाता है और अपनी तीर कमान निकालता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास तीर या भाला रहता है, उनसे मारने के लिए रेडी रहता है। तो जो मृगनियां होती है उस राजा से कहती है, जब उन्हें पता लगता है कि ये हमारे मृग का शिकार करने जा रहा है, तो मृगनिया उनसे उनसे रिक्वेस्ट करती है कि महाराज कृपया करके हमारे मृग को छोड़ दीजिए। तो मृगनिया कहती है कि हमारे इतने सारे मृगनियों के झुंड में केवल एक ही तो मृग है, उसको भी अगर आप मार देंगे तो हम लोगों का जीवन तो बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। महाराज कहते हैं मुझे इससे नहीं पता, मुझे इन सबसे मतलब नहीं, मुझे तो इस मृग का शिकार करना है। तो मृगनिया उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि महाराज दया करो, महाराज आप तो अवंतिका नगरी के राजा भर्तरी हो जो अपनी प्रजा के इतने दुख को समझते हैं, हमारा भी दुख समझो। मृगनिया उनसे इसी प्रकार से रिक्वेस्ट करती रहती है, तरह तरह के अपने तर्क देती हैं कि ऐसा है मत मारिए। पर राजा कहता है कि नहीं, उसकी बुद्धि पे चढ़ा हुआ है कि ये मृग मेरे हाथों से आज मरेगा। तो वो क्या करता है, उस मृग को मारने के लिए दौड़ता है उसके पीछे भाला लेकर के। मृगनिया भी उसके पीछे दौड़ती है कि महाराज रुक जाइए मत करिए ऐसा, हमारे जो मृग है उसके इतने कोमल शरीर पर इतने खतरनाक और पैने जो भाला है उससे मत मारिए, उसको बहुत कष्ट होगा, रहने दीजिए। परंतु दोस्तों महाराज जाते हैं और फटाफट उसको 3-4 भाला जाके मार देते हैं और उसके प्राण निकाल लेते हैं। फिर दोस्तों मृगनिया ये देख करके बड़ी रुष्ट होती है और गुस्से में महाराज को कहती है महाराज ये आपने क्या कर दिया। तो गुस्से में आके मृगनिया उसे शराब देती है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, जंगल में भटकते रहते हैं खाने पीने के लिए,
उसी प्रकार से तुम्हें भी इसी जंगल में भटकते रहना पड़ेगा। तुम भी क्या है अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत ठीक से नहीं कर पाओगे। तो श्राप उसे दे देती है मृगनिया। अब मृग के मरने के बाद वो सारी मृगनिया जो है क्या है अपने आप को उसके साथ ही सती कर देना चाहती है मृग के साथ। यह देखकर राजा और भी ज्यादा अचंभों में हो जाता है कि ये क्या, मैंने एक मृग मारा था, इतनी सारी मृगनिया भी उसके साथ मर रही है, ये मैंने क्या कर दिया। उसको ग्लानी होने लगती है बहुत ज्यादा। फिर जैसे ही दोस्तों राजा को जब ये बात पता लगती है कि जो मृग था ये कोई साधारण मृग नहीं था, ये गोरखनाथ जी के मृग थे, तो ये जानकर तो उसे और ग्लानी होने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। एक तो मृग मारा जो कि क्या है गोरखनाथ जी का था, ऊपर से ये जो इतनी सारी मृगनियां हैं ये भी मर गई। तो राजा को बहुत ग्लानी होने लगती है ये सब सोच करके। अब मृग और मृगनियां तो दोस्तों मृग मर जाता है, उसके साथ साथ सारी मृगनियां जो है सती हो जाती है। अब राजा अपने दुख को लेकर के जाता है हमारे शंखनाथ जी के पास, और शंखनाथ जी जो कि गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, तो उनसे वो ये सारी बातें जिक्र करता है। तो वो कहते हैं पापी राजा ये तूने क्या कर दिया, अब इन सारे मृगों को मैं तो जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि राजा भर्तरी कहते हैं उनको जिंदा कर दो, मेरे से तो पाप हो गया बड़ा। तो हमारे शंखनाथ जी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास इतनी क्षमता इतनी शक्ति नहीं है। तो कहते हैं चलो मैं अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ, वो ऐसा कर सकते हैं, वो उन्हें जिंदा कर सकते हैं। तो ये जाते हैं गोरखनाथ जी के पास। तो गोरखनाथ जी जब इन्हें देखते हैं तो बोलते हैं बताओ बच्चा क्या दिक्कत है तुम्हारी, मैं करूंगा तुम्हारी समस्याओं का समाधान। तो इस प्रकार से कुछ वार्तालाप उनका चलता है। फिर ये बताता है कि मेरे से जो वो मृग थे वो मेरे से मारे गए। तो गोरखनाथ जी कहते हैं मूर्ख पापी इंसान तूने मेरे पालतू मृगों को मार दिया। तो राजा भर्तरी उनसे माफी मांगता है, कहता है क्षमा कर दो गुरुजी, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। तो बहुत गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तो गोरखनाथ जी कहते हैं चल ठीक है। तो फिर राजा भर्तरी कहता है प्रभु कृपया करके उन्हें फिर से जिंदा कर दीजिए। तो गोरखनाथ जी उन सभी मृग और मृगनियों को जिंदा कर देते हैं। वो कहते हैं जो श्राप तुम्हें मिला है वो मैं नहीं हटा सकता, वो श्राप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो श्राप मेरे से नहीं हट पाएगा। तो श्राप सती द्वारा दिया गया है, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो राजा भर्तरी कहता है मुझे स्वीकार है, आप बस उनको जिंदा कर दीजिए। तो उनको जिंदा कर देता है। तो फिर राजा गोरखनाथ का धन्यवाद करता है और वहां से चल देते हैं। वहां से चलने के बाद दोस्तों फिर मंत्री जो कि वहां महल की जो घटना हुई थी उस घटनाओं को राजा को आके सुनाता है। राजा को तब दोस्तों ये पता लगता है कि पिंगला जो है उनकी मौत की खबर सुन के ही वो मर गई। तो राजा को फिर ग्लानी होती है बहुत, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने ऐसा अपनी रानी पर मतलब उन पर विश्वास नहीं किया, उसके साथ ऐसा टेस्ट लिया। बहुत ज्यादा ग्लानी में हो जाता है। वो फिर से जाता है गोरखनाथ जी के पास और कहता है कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हो गया मेरे से। तो अपनी पिंगला रानी के बारे में बताता है। तो उनसे भी वो प्रार्थना करता है कि उसे भी जिंदा कर दो। तो गोरखनाथ जी फिर से क्या है उनको जिंदा कर देते हैं। तो इतना जब होता है तो राजा भर्तरी की जो आंखें वो खुल जाती है। वो कहते हैं कि इतने महान योगी और इतने चमत्कार देख करके मैं तो आपका गुरु आपका क्या है शिष्य बनना चाहूंगा गुरुदेव, मेरा अब इस राजपाट से और इस दुनिया से मोह भंग हो गया है, अब मेरे को उधर नहीं जाना वापसी, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, ऐसी आग्रह वो गोरखनाथ जी से करते हैं। तो गोरखनाथ जी भी कहते हैं बेटा इतना आसान नहीं है योगी। तो कहते हैं बेटा इतना आसान नहीं है योगी बनना, संसार को त्यागना और भगवत वेश धारण करना कोई आसान बात है, इधर बहुत ज्यादा कठिन है। तुम एक राजा हो, तुम अपना राजपाट संभालो, तुम अपना जीवन ऐश्वर्य के साथ जीते आए हो वैसे ही जियो, कष्ट का जीवन तुमसे कहाँ जिया जाएगा, एक योगी का जीवन तो बड़ा कठिन में ही होता है, तुम नहीं कर पाओगे। राजा भर्तरी दोस्तों फिर से कहता है कि नहीं प्रभु आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। तो गोरखनाथ जी कहते हैं अगर ठीक है तुम्हारी इतनी इच्छा है तो धारण कर लो भगवा वेश। तो भगवा वेश उसे धारण करवा देते हैं और उसके बाद गोरखनाथ जी उसे कुछ चैलेंज देते हैं कि तुम्हें अब करना ये है कि सबसे पहले तुम जाओगे अपनी रानियों के पास, और वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो तुम्हारी माताजी है, उनको माताजी बोल करके उनसे भिक्षा लोगे, और उसके बाद अपने परिवार के जो अन्य सदस्य जो कि उसकी बहन है जिसका नाम है मीनावती, उनसे भी भिक्षा लेकर आओगे। जब वो दोस्तों अपने इन परिवार वालों से भिक्षा ले लेंगे उसके बाद क्या है उनकी जो ये दीक्षा है पूरी होगी, उसके बाद क्या है वो योगी कहला पाएंगे। तो राजा भर्तरी दोस्तों ये चीज स्वीकार कर लेते हैं और वो चले जाते हैं अपने महल। जब महल दोस्तों वो जाते हैं तो महल में जो लोग ये देख करके बड़ा अचंभ हो जाते हैं कि महाराज ने तो भगवा धारण कर लिया है। तो तुरंत भाग करके रानियों को ये खबर पहुंचाई जाती है कि देखिए महारानी ये महाराज ने तो भगवा वेश धारण कर लिया है। तो महारानियां तीनों महारानियां ये सुनके बड़ी हैरान हो जाती है, विशेष रूप से पिंगला जो कि उनसे बहुत ज्यादा स्नेह करती थी,
वो आकर के सभी महाराज को देख करके चौंक जाते हैं कि महाराज आपने भगवा क्यों धारण कर लिया, हमने ऐसा क्या करा कि आपको भगवा वेश धारण करना पड़ गया। तो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं उनसे कि आपने भगवा वेश धारण किस लिए कर लिया, क्या कमी आपको महसूस हुई, क्या आपके मन में ऐसा विचार आया, किसी ने क्या बोल दिया। तो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और हमारे जो राजा भर्तरी वो एक ही जवाब देते हैं कि मेरा अब इस जग और संसार से क्या है, मोह भंग हो चुका है, अब मैंने गुरु गोरखनाथ जी की महिमा देख ली है, अब मैं उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलना चाहूंगा, अब मुझे इस संसार के बंधन में तुम लोग मत बांधो, मुझे एक योगी बनने दो, कृपया करके मुझे भिक्षा दे दो। तो इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में काफी द्वंद चलता है बातों का, पर अंत में क्या है, राजा भर्तरी नहीं मानते और कहते हैं तुम्हें भिक्षा अगर देनी है तो दो, वरना मैं जाता हूँ। तो रानी कहती है रुकिए महाराज, आप हमारे महल में आए हैं और कोई भी हमारे महल से खाली हाथ नहीं जाता, क्या हुआ अब आप जो योगी बन गए आपको भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो महारानी आदेश देती है कि बहुत सारे स्वर्ण लेकर आ जाए, रत्न लेकर आया जाए और इनको दे दिए जाए। तो भर्तरी जो है रानी से कहता है कि नहीं रानी, मुझे रत्न वगैरह नहीं चाहिए, मुझे केवल आप दो कटोरी आटा दान दे दीजिए। तो पिंगला जी तो पिंगला कहती है ठीक है यही सही, तो दो कटोरी आटा लाकर उन्हें दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं अपनी बहन के पास मीनावती। तो सेम प्रोसेस दोस्तों मीनावती के पास भी होता है, मीनावती भी उनको देख के चौंक जाती है कि क्या हो गया तुमने, क्यों भगवा वेश धारण कर लिया, क्या वजह पड़ गई तुम्हें ये सब करने की। ऐसी ही बातें वहां भी होती है और वो भी उन्हें बातें करने के बाद क्या है उनको भी क्या है दान दे देती है, भिक्षा दे देती है। इसके बाद दोस्तों राजा भर्तरी खुश हो जाते हैं कि गोरखनाथ जी ने जो मुझे कार्य सौंपा था वो मैंने कर दिया, अब इस हिसाब से मैं क्या है अब एक योगी कहला सकता हूँ। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी जो कथा थी राजा भर्तरी की। तो इसमें राजा भर्तरी का जो चरित्र आपको दिख रहा होगा कि वे दयालु राजा थे, वीर थे और अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, ये सब पॉइंट है, आप इनको एलिब्रेट कर सकते हैं एग्जांपल दे देके कि वीर थे तो कहाँ कहाँ स्टोरी में आपको वीर दिख रहे हैं, प्रेमी थे तो कहाँ कहाँ पर प्रेमी दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप इनकी चारित्रिक विशेषता क्या है, चरित्र की जो विशेषता है आप लिख सकते हैं। तो ये थी स्टोरी राजा भर्तरी की।